कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्यपुस्तक के चौथे पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। सर्वप्रथम मैं इस गीत का सस्वर वाचन कर रहा हूँ, जो इस प्रकार होगा। चल चल पुर तो निधे ही चरणम, सदैव पुर तो निधे ही चरणम, चल चल पुर तो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनम्, विनैव यानम् नगारोहणम्, बलम् स्वकीयम् भवति साधनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम् खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। गीत का अर्थ इस प्रकार होगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल ये लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है, आज्ञार्थक है। चल चल कवि कहता है चलो चलो, पुरतः अव्यय है, पुरतः का अर्थ हुआ आगे, आगे से आगे। निधे ही माने रखो, चरणम माने चरण, अपने कदम। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कवि कहते हैं कि सदैव आगे से आगे अपने कदमों को रखो, अर्थात आगे से आगे बढ़ते जाओ, चलो चलो। सदैव यहाँ संधि होगी, संधि विच्छेद होगा, सदा प्लस एव। पुरतः आगे से, निधेहि रखो चरणम्, सदा ही हमें अपने जो कदम हैं वो आगे से आगे ही रखने चाहिए। तो अर्थ हो गया चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव आगे से आगे बढ़ते चले जाओ और सदैव आगे से आगे ही अपने कदमों को बढ़ाते रहना चाहिए। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें पीछे मुड़के नहीं देखना है, हमें जीवन में आगे से आगे ही बढ़ते हुए जाना है। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम्, गिरिशिखरे माने पर्वत की चोटी पर, ननु निकेतनम् निज निकेतनम्, हमारा जो घर है वो पर्वत के शिखर पर है, पर्वत की चोटी पर है। कवि का यहाँ तात्पर्य है कि हमारा जो लक्ष्य है वो इतना ऊंचा है, इतना कठिन है, इतना दुष्कर है कि मानो किसी पहाड़ पे चढ़ना हो, पहाड़ की चोटी पर हमें पहुंचना है, तो वहाँ हमारा घर है। विनैव यानम नगारोहणम्, और बिना किसी यान के, बिना किसी वाहन के हमें पर्वतारोहण करना है, इस पर्वत पर चढ़कर अपने घर पर पहुंचना है, अर्थात अपने लक्ष्य पर हमें पहुंचना है। उसमें हमारी कौन सहायता करेगा, बलम स्वकीयम भवति साधनम्, एकमात्र हमारा जो बल है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो पराक्रम है, वह ही हमें अपने लक्ष्य पर
पहुंचने में सहायक होता है, वही हमारा एकमात्र साधन होता है। हमें किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, अर्थात हमें हमेशा ही आगे से आगे अपने कदमों को बढ़ाते हुए जाना है। जैसे कि बचपन में हमने कविता पढ़ी थी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, तो उसी वो भाव यहाँ पर कवि प्रस्तुत करना चाह रहा है। अगली पंक्तियां हैं, पथ पाषाण विषमा प्रखरा, हमारा जो मार्ग है उसके अंदर पाषाण माने बड़े बड़े पत्थर, विषमा माने कठिनाइयां, प्रखरा नुकीले और ऐसे पत्थर हैं जो हमारे पैरों में चुभते रहेंगे, अर्थात हमारे जीवन में इस तरह की बाधाएं आएंगी जो हमें आगे बढ़ने से रोकेंगी। हिंसरा पशव परितो घोरा, चारों ओर हिंसक जीव हैं, हमारी हत्या करने के लिए तत्पर चारों ओर मनुष्य रूपी जानवर घूम रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि हमारे जो लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य में पहुंचना बहुत ही कठिन है, हमारा वहां जाना बहुत ही मुश्किल है, किंतु फिर भी हमें आगे से आगे बढ़ते ही जाना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, हमें हमेशा आगे से आगे ही अपने कदम रखते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। जय ही भीतिम भज भज शक्तिम, जय ही माने छोड़ दो। कवि कहता है कि आपके मन में यदि कोई भय है, जय ही भीतिम, अपनी जो भय है उसको त्याग दो। भज भज शक्तिम, और आपके अंदर जो शक्ति है, आपका जो अपना बल है उसको याद करो, अपने शक्ति को स्मरण करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाओ। विधे ही राष्ट्रे तथानुरक्तिम, और सदैव राष्ट्र के प्रति अपना स्नेह रखते रहो। हमारा जो राष्ट्र है, हमें उसकी सेवा करने की भावना अपने मन में सदैव सजो के रखनी है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और उसके साथ साथ जो हमारा ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको भी हमें सदैव स्मरण रखना है, सदैव याद रखना है, और उसको याद रखते हुए हमें आगे से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जही ही ये भी लोट लकार का है, तो इसमें कवि जो है ये कह रहा है कि आगे से आगे कदम बढ़ाते जाओ, और जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, उन सबको पार करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँचने का प्रयास करते रहो। धन्यवाद।